हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे डायनेमिक लिंक के बारे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए। तो इसको आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी हेल्पफुल है यूट्यूबर्स के लिए, स्पेशली जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि उन लोग को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो लेट्स से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ओके। तो इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोई यूट्यूबर होता है वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, उसमें प्रोफाइल में अपनी यूट्यूब की एक लिंक डाल देता है। जैसे एक तरह देख सकते हैं, हमने अपने प्रोफाइल में बायो में लिंक हमने डाल दी, ठीक है। तो इसमें हम लिंक पे हम आपको टैप करके दिखाते हैं। तो होता है क्या, लेट्स से हमने इस लिंक पे टैप किया, कोई मान लीजिए कोई यूज़र आया, ओके, तो उसने इस लिंक पे टैप किया। अब उसके बाद वो जो यूज़र है तो उसके सामने वीडियो खुल गया, वो वीडियो देख सकता है पूरा, इट्स ओके, वीडियो पूरा देख लेगा और वॉच टाइम काउंट होगा, सारी चीज़ें काउंट होगी। पर मान लीजिए वो अगर वीडियो को लाइक करना चाहेगा तो लाइक नहीं कर सकता, क्योंकि साइन इन का ऑप्शन आएगा तो, और काफ़ी बोरिंग प्रोसीजर है, तो कोई यूज़र इस चीज़ को करता नहीं है, ओके। ऐसे ही वो अगर चाहे सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब भी नहीं कर सकता, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इशू होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे ही हम और भी दिखा देते हैं हमको यूज़र्स जो मिस्टेक इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि जनरली जो भी इस यूट्यूब मतलब इस वीडियो को देख रहा होगा उसको रियलाइज़ होगा कि वो ये मिस्टेक कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो हम कुछ आपको अकाउंट दिखा देते हैं, जैसे ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट एक यूज़र का, तो इनकी जो यूट्यूब पर इन्होंने बायो इनकी जो लिंक है बायो में, इस पर हम आपको जाके दिखाते हैं। देख सकते हैं ये भी जो लिंक है, नॉर्मल जो आप लिंक कॉपी करते हैं क्रिएटर स्टूडियो से, वो वाली लिंक है जो आप किसी को शेयर करते हैं, तो इससे आप किसी के ऐप पे मतलब यूट्यूब के ऐप पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट नहीं होंगे। तो डायनेमिक लिंक स्मार्ट URL होती है, जिससे कि आप लिंक लगाएंगे अपने बायो में तो उससे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली यूट्यूब पे। ओके, देख सकते हैं इन्होंने भी यही मिस्टेक करी है, ये जो आपका खुला है ये यूट्यूब जो खुला है वो इंस्टाग्राम पे ही खुला है, तो इससे रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम कुछ कर नहीं सकते, और ऐसे मोस्टली सब यूट्यूबर्स यही चीज़ गलती करते हैं। ओके, तो अब हम दिखाते हैं आपको कि इसमें इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको डायनेमिक जो लिंक है उसको दिखा देते हैं। तो एडिट प्रोफाइल पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम आपको जो मेरी लिंक है इसको हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हमने एक डायनेमिक लिंक बना दी है, वो हमको दिखाते हैं कि वो वर्क कैसे करती है। ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट की जगह पे हमने जो डायनेमिक लिंक हमने बनाई थी उसको हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद हमने उसको सेव कर दिया। ओके, अब मान लीजिए जब भी कोई यूज़र आएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और मेरी लिंक जो है उस पे टैप करेगा, लेट्स उसने इस लिंक पे टैप करा, तो देख सकते हैं ये जो लिंक ले गई वो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट कर देगी यूट्यूब के ऐप पे, जिससे इंसान जो होगा वो सब्सक्राइब भी ईजिली कर सकता है और वीडियो को लाइक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कमेंट कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली जो है यूट्यूब पर हम इसको रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है, तो इसको हम बैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको आपको बनाना कैसे इस डायनेमिक लिंक को, तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, गूगल पे जाना है आपको, आप इजीली बना सकते हैं, जस्ट 2 मिनट की बात है बस। आपको यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है फायरबेस, ओके, तो यहाँ पे हमने फायरबेस टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे हमको उस वेबसाइट पे जाना है, तो आपको देखना होगा कि इस वेबसाइट पे जाना है जिस पर HTTPS लिखा हुआ है, firebase.google.com, इस पे जाना है आपको, तो इस पे आपको एंटर कर लेना है। जब इस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी डायनेमिक लिंक बना सकते हैं किसी भी वीडियो के। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ें करना है कि आपको इसको जो है डेस्कटॉप साइट पे कर देना है, जिससे आप सही से इस चीज़ को देख सकें। ओके, तो उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप कर देना है, या फिर आप गो टू कंसोल पे भी जा सकते हैं, ऊपर जो टॉप पे राइट साइड पे वहाँ से भी कर सकते हैं इसको, दो तरीके हैं। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे एक डायनेमिक करके हमने प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें हमने डायनेमिक लिंक बनाई थी, आपको आपके सामने बनाते हैं दिखाते हैं। तो आपके सामने जब ये खुल जाएगा तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है, ऐड प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको ऐड प्रोजेक्ट पे टैप करना है, यहाँ से ऐड प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम है, तो यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट का नाम दे दिया डायनेमिक 2। ओके, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको फिर कंटिन्यू पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट की बात आ रही है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कोई से भी अकाउंट, तो यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो 1 पे। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग रिसोर्सेज कुछ लोडिंग हो रही है, तो इसका हम वेट करेंगे कि ये लोड हो जाए पूरी तरीके से।
ओके तो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, तो उसके बाद हमको कंटिन्यू पे टैप करना है। ओके तो ये जो मेरा एक प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड पे देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे डायनेमिक लिंक्स, एडमॉब के ऊपर लिखा हुआ है डायनेमिक लिंक्स, तो आपको डायनेमिक लिंक्स जो लिखा है इस पर टैप करना है। आपको जूम करके दिखा दें, ये डायनेमिक लिंक्स लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। तो ये डायनेमिक लिंक है, इस पर टैप कर दिया, अब ये खुल गया है। ओके तो यहाँ पे डायनेमिक लिंक जो आपको टॉप पे दिख रहा है डायनेमिक लिंक, उसके बाद आपको उस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ओके अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, या फिर जैसे हमने अपना यूज़ कर लिया था योर टेक मेंटोर, ऐसे करके हम एक और यूज़ करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ और एडिट कर देते हैं। क्योंकि हम इस तरह का बना चुके हैं तो इसको हमें कुछ अलग चूज़ करना है, या फिर हम इसको चूज़ कर लेते हैं लेट्स से, तो आपको ऐसे ही दिखाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे डोमेन का हम चूज़ कर लेते हैं। टेक मेंटोर लेट्स हमने यूज़ कर लिया है। ओके तो नीचे जो बन के आ रहा है टेक मेंटोर डॉट पेज डॉट लिंक, इस पर हमें टैप कर लेना है। तो इस पर हमने टैप कर दिया, उसके बाद ये अवेलेबल है, तो इस पर हम कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। अब कोई कोशिश ही करनी, क्योंकि योर टेक मेंटोर के नाम से हम बना चुके थे तो दूसरा बन नहीं रहा, इसलिए आप जो है आप अपने चैनल का नाम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये बन चुका है, उसके बाद हम इस पर फिनिश पे कर देंगे। ओके तो यहाँ पे जो हमने इसको फिनिश कर दिया, अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। ओके तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डायनेमिक लिंक, यहाँ पे ब्लू ब्लू, तो आपको इस पर टैप करना है न्यू डायनेमिक लिंक पे। ओके अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई यूआरएल चूज़ कर लेना है, जैसे आपको जो वीडियो आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में लगाना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएटर स्टूडियो पे जाके किसी हम वीडियो की लिंक जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो लेट्स से ये है एफवी अकाउंट वाला। ओके तो इसकी जो लिंक है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि जो इंसान टैप करे तो इस वीडियो पे पहुँचे। तो इसको हमने कॉपी कर लिया है, अब उसके बाद हमको यहाँ पे हमको जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया हमने। ओके अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट, सारे स्टेप्स पूरे हो जाने चाहिए। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ओके तो यहाँ पे आपकी जो लिंक है वो क्रिएट हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ पे लिंक नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका यूआरएल है। तो जब आप यहाँ पे टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉपी करने का एक ऑप्शन दिखेगा, ये जो हमने लिंक बनाई है, तो इसको हम यहाँ पे टैप कर लेंगे। तो यहाँ से ये देख सकते हैं ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया है। ओके तो यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर ले रहे हैं, तो ये कॉपी हो गया आई थिंक। ओके तो अब यहाँ पे हम जाके बायो पे अपने जो यूआरएल हमने लगाई थी उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं जो पहले हमने अपना जो वीडियो लगाया था यहाँ पे वो था इंस्टाग्राम वाला, तो अब हमने फेसबुक वाला चूज़ किया है। ओके तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाके उस लिंक को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसको हमने पेस्ट कर दिया है और ये पेस्ट हो चुका है। ओके इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। अब मान लीजिए कि कोई यूज़र आया इस पर और इसने मेरी जो बायो में लिंक है उस पर टैप कर दिया,
तो जब वो यूज़र जो है मेरी जो लिंक पे टैप करेगा तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं रहेगा, डायरेक्टली वो यूट्यूब के ऐप पे पहुंच जाएगा, जिससे कि वो मेरा जो वीडियो देख लेगा। और जो एडवांटेजेस इसमें ये है कि वो वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो वीडियो को हम पॉज कर देते हैं, देख सकते हैं ये तो मेरा ही चैनल है, चैनल देख सकते हैं, वीडियो यहाँ से ये लाइक हो गया, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं, यूज़र जो आएगा उसको सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो ये डायनेमिक लिंक होती है और इसका ये एडवांटेज होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और डायनेमिक लिंक आप भी, आपको भी चाहिए कि बना ले और अपने बायो में चेंज कर दे, क्योंकि जो पहले यूज़र्स लिंक लगाते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं, उससे सिर्फ वॉच टाइम मिलता है, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं मिल पाते, क्योंकि वो कोई भी नया यूज़र आता है तो वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं वहाँ से। और साइन इन करके जो सिनेरियो होता है, जो उसका प्रोसीजर होता है, उससे इंसान मतलब करता नहीं है, जनरली कोई नहीं करता, हम भी नहीं करते थे जब किसी के बायो टाइप करते थे। तो आपको इस तरह से बिल्कुल सिंपल रखना है कि डायरेक्टली इंसान यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। और अगर कोई डायनेमिक लिंक नहीं बना पा रहे तो वो हमको अपनी लिंक दे सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कर सकता है, उसके डायनेमिक लिंक हम बना देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।